तो दोस्तों ये जो साउंड है आहूजा के वोकल के लिए बहुत ही बेस्ट साउंड होते हैं। चार पीस इसमें हमको बॉक्स में मिल जाते हैं, आप सिंगल भी लेना चाहें तो एक या दो पीस भी आपको मिल जाएंगे। SCM 15T कॉलम स्पीकर 100 वोल्ट ये हमको मिल जाता है। और ज़्यादातर आपको दोस्तों कोचिंग वगैरह सेंटर जो होते हैं या पार्क वगैरह में सवेरे आप देखते हैं जो स्पीकर लगे होते हैं वोकल के लिए, वो यही स्पीकर होते हैं। इन स्पीकर में दोस्तों एक ख़ास बात होती है कि इसमें जो आवाज़ होती है हम जो भी बोलते हैं बहुत ही क्लियर एकदम साफ सुनाई देती है। तो दोस्तों हमको चार पीस स्पीकर चाहिए थे क्योंकि जहाँ पे ये लगना है वो हॉल काफ़ी बड़ा है, तो ये चार पीस स्पीकर हमने लिए हैं। प्राइस दोस्तों इसका मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पैकिंग आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीकर की भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ हमको दोस्तों दो स्क्रू जो होते हैं बोल्ट यह मिल जाते हैं, इसमें रबड़ भी होती है दोस्तों, और दो पत्तियाँ मिल जाती हैं जिसको हम दोस्तों दीवार में ड्रिल करके लगाएंगे और एक साइड से स्पीकर में लगाएंगे। इसको दोस्तों आप 8 या 10 नंबर फास्टनर से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पीकर दोस्तों आप देख रहे होंगे ब्लैक एंड ग्रे कलर का ये हमको स्पीकर मिल जाता है और देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पीछे के साइड इसके कनेक्शन पॉइंट हैं और मैं भी आपको दिखाऊँगा इसमें कनेक्शन कैसे करना है। ऊपर के साइड दोस्तों इसमें कुछ इसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, यह देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको होल दिख रहा होगा जिसमें हम इसको इसका जो स्क्रू है वो लगाएंगे। नीचे आहूजा का लोगो आपको मिल जाता है और जो फ्रंट की जाली है दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो जो ये पत्ती होती है दोस्तों आप किसी भी तरफ से आप इसको सेम टू सेम होती है किसी भी तरफ से लगा सकते हैं। और ये दोस्तों जो रबड़ होती है ये हमको पत्ती और स्पीकर बीच में लगाना होती है, उसके बाद दोस्तों इस बोल्ट से हमको यह जो स्क्रू है इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों स्पीकर को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके अच्छे से टाइट करते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया इस पत्ती को कैसे लगाना है, अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और यह जो दोस्तों स्पीकर है SCM 15T इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। यह स्पीकर अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो 2000 रुपये के आसपास मिलेगा। MRP आप देख रहे होंगे सिंगल पीस की 2095 इसमें डली हुई है और मार्च की 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये दोस्तों नया पीस है। और दोस्तों अगर आप मार्केट से लेंगे तो यह आपको 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये के बीच में मिल जाएगा, आपके एरिया पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों यह जो SCM 15T स्पीकर इसको मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, अंदर आप देखेंगे इसमें यह जो एक स्पीकर ऊपर लगा है छोटे साइज का स्पीकर है, इसमें छोटी मैग्नेट दिख रही होगी आपको। और साइड में आप देख रहे होंगे दोस्तों नीचे के साइड भी देख रहे होंगे एक स्पीकर हमारा नीचे लगा है, उसमें काफ़ी बड़ी मैग्नेट मुझको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर दोस्तों एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। तो पहले हमारा सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर के बाद दोस्तों हमारे स्पीकरों में जाता है, इससे कि हमारे दोनों स्पीकर अच्छे से सेफ रहते हैं। तो स्पीकर दोस्तों आपने अंदर से भी देख लिया इसमें कैसा कनेक्शन है ट्रांसफार्मर और कितने स्पीकर लगे हुए हैं। अब इसको हम दीवार पर लगाएंगे तो आप देख रहे होंगे हमने इसको फास्टनर जो होता है बोल्ट 8 नंबर फास्टनर से हमने इसको अच्छे से फांस दिया है, हैंग कर दिया है, और इसको हम एडजस्ट करके अपने हिसाब से अच्छे से टाइट कर देंगे। स्पीकर कनेक्शन आप देख रहे होंगे एक लाल और एक सफ़ेद तार है जिसको अभी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मैं इसको आपको हैंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड में इस तरीके से पत्ती लगी है, अंदर के साइड जो रबड़ आई थी उसको लगाना है, फिर पत्ती लगा के अच्छे से बोल्ट को लगा के टाइट कर देना है और अपने हिसाब से इसको आपको एडजस्ट कर लेंगे कितना आपको इसको मूव करना है, उसके हिसाब से आप इसको टाइट करके अच्छे से जाम कर देंगे। स्पीकर के दोस्तों कनेक्शन सिंपल है, लाल वाला तार आपको 10 वाट पे लगाना है, कॉमन में आपको कॉमन लगाना है जो कि हमारा मशीन से निकल के आया है, और इन तारों में भी दोस्तों आपको क्लैंप का यूज़ करना है, डायरेक्ट तार आपको बोल्ट में नहीं लगाना है।